अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बनाम तख्त लाहौर के साथ मैं हूं दानिश भट्ट और आज हमने रुख किया है NA-132 का। नाजरीन, NA-132 में मैं मौजूद हूं साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब का ये हल्का है। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर से यहां से MLA मंतखब हुए हैं और PP की दो सीटों पे वो कामयाब भी हुए हैं जो उन्हें सीटें छोड़नी पड़ी हैं। एक सीट रखी है यानी कि NA-132 की सीट शहबाज शरीफ साहब ने अपने पास रखी है और शहबाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबल जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट चौधरी मंशा सिल्लू साहब, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है तकरीबन 47,000 वोटों के मार्जिन से। अब ज़मीनी इंतखाब होगा और ज़मीनी इंतखाब पे देखना होगा कि कौन कामयाब होगा। पहले तो मुस्तफ़ा नवाज़ को इस हल्के ने कामयाब कराया है तो अगर हिस्ट्री देखी जाए तो हिस्ट्री में लगता यही है, देखा यही गया है कि जो पार्टी गवर्नमेंट में आती है ज़मीनी इंतखाब में हमेशा से वो कामयाब होती है। अब लोगों से हम पूछते हैं कि किसको कामयाब कराने वाले हैं और पहले हमदा शहबाज शरीफ साहब यहाँ से कामयाब क्यों हुए हैं। वोट गिनवाया जी, वोट असी फिलहाल तो बारिश हो रही थी। अच्छा, वोट पा नहीं पाया तुम? बारिश बहुत तेज थी तो वोट नहीं पाया। नहीं पाया वोट? हाँ जी। अच्छा, वैसे किन्नू वोट पाना सी तुसी पहले? वोट पता ही की है, अपनी जनाब जिम्मेदारी होंदी है कि बंदा जिधर किन्नू पाना सी, या तो इमरान खान नूं पाना सी या तुसी किन्नू पाना सी? इमरान खान, इमरान खान नूं पाना सी। इमरान खान दा कैंडिडेट इधरों हार गया है, हुण PP दी जिहड़ी थल्ले दो सीटें हैगियां हैं दोबारा इंतखाब होना हुंदे ते किन्नू जिताओगे फिर? है तो हुण कुछ कह नहीं सकते, वेखो जी किस्मत दी गल है। किन्नू वोट दिओगे हुण? हूँ असी इन्हों ही देंगे फिर दोबारा बल्ले वाले। दो दिन का वोट है बल्ले वालों का। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सामने को क्या हाल है? वोट दिया था पहले किसको? मियां नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को? शहबाज शरीफ साहब यहाँ से जीत गए हैं। हाँ जी, दोनों सीटें उन्होंने छोड़ दी हैं पंजाब असम्बली वाली। हाँ जी। अब किसको वोट देंगे? उसी को देंगे, उन्हीं को देंगे वोट। पहले हल्के में तो काम कराए हैं शहबाज शरीफ साहब ने? हाँ जी, ये छड़के बनाई हमारी है सारा काम, अभी भी वोट उनका है। हाँ जी। अच्छा, गवर्नमेंट बन गई तरीके इंसाफ की, कोई उम्मीद है उनसे अच्छी? हाँ जी, तरीके इंसाफ से कोई उम्मीद है अच्छी गवर्नमेंट उनकी बन रही है? अल्लाह पाक बेहतर करेगा जी। अच्छा, हाँ जी, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, NA-132 का ये हेयर पिन है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ और लोगों की राय शामिल कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब यहाँ से कामयाब हुए हैं और लोगों से पूछ रहा हूँ मैं राय क्या हाल है। ठीक ठाक, ठीक हो? वोट पहले किन्नू पाया सी? वोट शेर नु पाया। शेर नु पाया, इंशाल्लाह गांव में शेर नु पावांगे। अच्छा, ज़िमनी इंतखाब जो दो सीटें उन शहबाज शरीफ साहब ने छोड़ दी हैं? हां जी, फिर भी शेर दा वोट है? इंशाल्लाह फिर भी शेर दा। हुकूमत बन गई है तरीके इंसाफ दी, किसे दे भी बन जे इंशाल्लाह वोट शेर दा। अच्छा, कोई उम्मीद है की ये इंशाल्लाह? इंशाल्लाह नवी हुकूमत उम्मीद है? उम्मीद है कोई नहीं, जो करेगा अच्छा करेगा, देखांगे गांव जो गांव करदा पिया। चलो जी, कहंदे ने कि जो मर्जी हो जाए वोट इना दा शेर दा ही है। वोट दिया था आपने? हां जी। किसको? शेर को। शेर को? हां जी। शहबाज शरीफ साहब यहाँ से जीत गए? जी जी। और NA की सीट रखी है, बाकी नीचे वाली दो सीटें छोड़ दी उन्होंने। जी जी। क्या कहेंगे इस पे, सीटें छोड़नी चाहिए थी नीचे वाली? नहीं, जो उन्होंने किया बेहतर किया। अच्छा, ठीक है, वो हमारे लिए फायदे में रहेगा। अब मुझे ये बताएं कि उन दो सीटों पे दोबारा ज़िमनी इंतखाब होगा? जी जी। किसको देंगे वोट? शेर को। अब अच्छा, गवर्नमेंट बन गई तरीके इंसाफ की, देख अगर हिस्ट्री आप उठा के देखें ना तो ज़िमनी इंतखाब वही जीतती है। अब आम की सोच चुके तब्दील हो जाती है कि जी गवर्नमेंट इनकी आ गई, हम इसलिए गवर्नमेंट को वोट देते हैं। तो आप किसको देंगे वोट? जी हम वोट शेर को देंगे बस। अच्छा, शहबाज शरीफ को, वो किसी को भी खड़ा कर दें उसको देंगे वोट। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात। ज़िमनी इंतखाब में भी इनका वोट शहबाज शरीफ साहब का ही है। वोट पाया जी? जी वोट पाया। किन्नू? शेर को डाला था। शेर को डाला था? क्यों डाला था शेर को वोट? वो शेर शेर ही है, तब्दीली का क्या मतलब है? जब इमरान खान आया तब्दीली का ये मतलब है, लाइट जाने लगी तो जब शेर आया था, जब लाइट जाती थी वो ठीक हो गई थी। अच्छा, तो अब क्या है, लाइट जाने लगी है, जो भी काम हुआ पूरा हो रहा है। अच्छा, हुकूमत बन गई तरीके इंसाफ की जी, तो ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा काम? कुछ नहीं करेगा। पक्की बात है? पक्की बात। ताड़ा कितना वोट सी? ताड़ा भी शेर था, हूं भी शेर नू पाना है। मुझे ये बताएं गवर्नमेंट बन गई तरीके इंसाफ की, हमें इसका कोई फायदा नहीं है? अच्छा, ये आई या ना आई ये खत्म, इसका कोई फायदा नहीं है। हुकूमत बन गई उनकी, हुकूमत बन गई, आगे भी हुकूमतें बनती रहती थी, इसका कोई फायदा नहीं। इसको बदला दो या मैदान में जाकर खेले। अच्छा, कोई काम नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं है इसकी, इसकी हुकूमत में कोई काम नहीं है, ना होना ना होया। हाँ साहब, तुम्हारे पास चैलेंज ये कहते ने कोई काम नहीं होना। सलाम अलैकुम जी। वोट दिया था आपने? हाँ जी। किसको? शेर। आपने शेर को वोट दिया था? अच्छा, मुझे बताएं शहबाज शरीफ साहब ने जो फैसला किया एक सीट रखने का अपने पास, NA की सीट, कौमी असम्बली की सीट, फैसला ठीक है उनका ये?
ठीक है। अब जो ज़मीनी इंतखाब होने वाला है किसको वोट देंगे? शेर। शेर को क्यों देंगे शेर को वोट? उसकी रीज़नें काफ़ी हैं। एक तो शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ हमारे मुखलिस लीडर। अच्छा। नंबर एक। नंबर दो, अगर इलाकाई लिहाज से देखा जाए जो इधर का कैंडिडेट है मंशा सिंधु, हमने उसको वोट डालकर चोरी डकैती और अपने डंगर खुलवाने। अच्छा। अगर पीटीआई वाले इतने ईमानदार है, किसी ईमानदार आदमी को सामने लाए कि चोर डके तो वो मतलब आप वोट कहते हैं कैंडिडेट अच्छे नहीं थे वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि आपसे बात करते हो, सबर कर दिया करें थोड़ा सा, कि मुझे बताएं कि अभी देख रहा हूँ गटर खुला है यहाँ पे, काम तो आपके नहीं हुए ना, अभी भी पसमानदा इलाका आपका? मेरा ख्याल ये है, अगर आप 5 साल पहले आते ना तो आपने ये अपने पेंट ना बोर्डों से ऊपर करके यहाँ से निकलना था। ये भी मियाँ साहब के काम है कि हम इधर इस मौसम में इधर खड़े हैं कुछ के एरिया। आपका वोट पर शेर का ही इस दफा? हाँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी हूँ दसो तुम इधर हूँ क्वेश्चन मारे हैं यार, किनू वोट पाया जी? शेर नू। शहबाज शरीफ साहब ने सही फैसला किया जी, सीटा छड़ती हैं दोनों थले वाली पंजाब असम्बली दी, बेशक हूँ किनू पाओगे वोट? शेर। तो इन्ना कोई उम्मीद नहीं तरीके साहब तो? कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? वो तो कहने बड़े काम करा जी। खैबर खूंखा में क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, लोगों ने वोट दिया उसको, वोट दिया लेकिन क्या किया? क्या 5 साल हुकूमत की है, क्या किया उसने? अच्छा बताओ क्या किया है, आप बता दो। वो कह रहा मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, उसने क्या किया? वो खान साहब कहते हैं कि हमने सिस्टम चेंज किया। कौन सा चेंज किया, क्या चीज चेंज? आपने किया? मैं तो जाता रहता हूँ और पूछता हूँ। चलो जी ये गए हैं केपी में, इनको कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, वोट पाया सी किनू? लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तब्दीली आएगी, लेकिन उनको देखना चाहिए कि देखना चाहिए। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़िमनी इंतखाब जब होता है तो ज़्यादातर ये देखा गया कि गवर्नमेंट जीत जाती है? ज़्यादातर तो ये देखा गया है आज तक, पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बाद में नून लीग की भी आई है, रूलिंग पार्टी जो होती है वो तकरीबन जीत जाती है। किसको वोट देंगे फिर ज़िमनी इंतखाब? मेरा ख्याल है कि अब तब्दीली को ही वोट। नहीं जी, पहले इन्होंने शेर को वोट दिया था लेकिन ज़िम्मी इंतखाब में तब्दीली को वोट देना चाह रहे हैं। आइए नाज़रीन हमारे साथ कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। वोट दिया था? जी बिल्कुल दिया। किसे? शेर को। शेर को? शेर क्यों वोट दिया यार? वो सामने देखे गोश्त बिक रहा है, नाली खुली हुई है, कोई ख्याल नहीं आप लोगों को काम सा हो आपके ना हो? पूरे पाकिस्तान में यही काम तो, हालात को हमने बदलना नहीं है। हालात इस तरह नहीं बदलते। कैसे बदलेंगे? बहरहाल इतने बड़े मुल्क को एक बंदा जो है ना संभालना, ये इतना आसान काम अपने से स्टार्ट करें ना बदलना। ठीक अगर मैं गंदा रहता हूँ, गंदी की बात सुने तो सही ना, अगर मैं गंदा रहता हूँ, मैंने नहाना तो खुद ही है ना, अपने आप से चेंज करूँगा फिर अपने घर वालों से चेंज करूँगा, तो आप चेंज नहीं चाहेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं चेंज है माशाल्लाह, बहुत चेंज है, यही एक गली ना देखें चेंज है। अच्छा ये क्या अच्छे काम भी किए हैं, बुरे काम भी हैं। अच्छा मुझे बताएं आपकी गवर्नमेंट तो नहीं बन रही, तरीके साहब की हुकूमत बन रही है अब, तो वो अब किसको वोट देंगे आप ज़िमनी इंतखाब में? शेर को देंगे। शेर को देंगे? वोट दिया था जी। बना वोट? जी बना। किसको दिया वोट? शेर को। शेर को क्यों दिया वोट? शेर को बस, शेर ने काम करवाया, काफ़ी काम कराया गाँव में, हर जगह उसने पीसी दिलवाई है, नाले वगैरह जो हमारा काम था वो किया। अच्छा तो शेर को वोट? अच्छा अब ज़िमनी इंतखाब होगा, शहबाज शरीफ साहब ने 2 सीटें तो छोड़ी हैं, उस पर किसको देना वोट? शेर को ही देना। शेर को देना? भाई आप बताएं। शेर को दिया वोट। शेर को वोट दिया, अब किसको देना है? शेर को ही। तरीके से आपकी हुकूमत बन गई है, कोई उम्मीद है उनसे अच्छी? उम्मीद तो नहीं लेकिन अल्लाह खैर करे ये कह सकते हैं। अच्छा अगर तो उम्मीद तो आपको नहीं है, अगर आपकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं मतलब काम करते हैं फिर क्या करेंगे आप? हम तो कहते चलो अच्छे ही करें, लेकिन आगे जो अगर काम कर दिया उन्होंने फिर हमें तो वही है जो काम करते हमारे लिए तो अच्छा। आप बताएं दिया था वोट? जी दिया। किसको? इमरान खान को। इमरान खान को क्यों आ रही है यहाँ से पीटीआई? जी आएगी इंशाल्लाह, आगे भी अच्छे काम करेंगे आस्ता आस्ता। वो आप पे हंस रहे हैं, आप अकेले पीटीआई के हैं यार। पीटीआई जिंदाबाद। अच्छा आपकी हुकूमत बन गई है अब तो क्या उम्मीद है खान साहब से आपको, क्या काम करेंगे अब? इंशाल्लाह बहुत तब्दीली लाएंगे। अगर तब्दीली ना लाए वो काम शाम ना कराए फिर? फिर हम शेर को देंगे वो। अच्छा जी ये कन्वर्ट हुए हैं शेर से पीटीआई की तरफ, और अगर तब्दीली ना आई तो फिर दोबारा से शेर को वोट देंगे। भाई क्या हाल है? वोट दिया था किसको? शेर को। शेर को क्यों दिया वोट? शेर को यार एक्चुअली हमारे यहाँ पे वो लड़कियों के लिए कॉलेज बनाए हैं स्कूल के, ठीक है, 3 सवाल थे, साफ पानी चाहिए, बिजली चाहिए और सेहत चाहिए, और तीनों चीज़ें दी हैं। अगर बेसिकली मैं स्कूल बने हुए लेकिन मैं पढ़ने नहीं जा रहा, तो वो मेरी गलती है, हुकूमत की गलती नहीं है। ठीक है ठीक है, साफ पानी हमारे पास है, अगर हम
جان بوجھ کر ان پر ایکشن لے رہے ہیں وہ ہماری غلطی ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ بن گئی تحریک انصاف کی کوئی ہے امید اچھی ان سے کوئی امید نہیں اچھا ادھر آیا کتنے نس کیوں رہے ہیں وہ آتے ملا ادھر سے آ کیا حال ہے استاد بھی بلانے ہیں ووٹ استاد آ گیا ووٹ پایا جی ہاں جی شیر نو پایا شیر نو پایا ووٹ یار میں دیکھ رہا تھی گندگی نالی شالی کی کام شام نہیں ہو سکتا میاں صاحب نے کرائے نے کام حکومت بن گئی تحریک انصاف دی انہاں کو ہے امید کہ چنگے کام کرے گا عمران خان بہت مشکل ہے مشکل ہے اگر کرتے ہوئے چنگے کام پھر اگر چنگے کام کر لینا ہے تو کر لیتا ہے تو پھر حکومت ہو جائے گی اس کی پورا لے جائے گا پانچ سال جی نہ کیا تو پھر اگر چلو کام کر دے تو پھر کیوں ووٹ پاؤ گے اگلے اگلا پھر دیکھیں گے نا پھر کس کو ووٹ چلو ٹھیک ہے